नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे समाजशास्त्र का नेक्स्ट पार्ट, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें समाजशास्त्र के उद्भव, कालक्रम, समाजशास्त्र क्या है और अलग अलग विद्वानों ने उसके बारे में क्या क्या परिभाषा दी है, हमने मोटे तौर पर जाना है। अगर आप चाहते तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? दो संप्रदाय हैं। इन दोनों संप्रदाय को, नंबर एक है स्वरूपात्मक, जिसमें समाजशास्त्र के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है समन्वयात्मक, जिसमें समाजशास्त्र के साथ अन्य समन्वय का सिद्धांत अपनाया गया है। पहला अध्ययन करेंगे हम जो उसका स्वरूपात्मक संप्रदाय है। इस संप्रदाय को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप, जो उसके आकृति है, स्वरूप है, उसका जो ढांचा है, उसका अध्ययन करता है। यह इंपॉर्टेंट क्या है, इस संप्रदाय में क्या है, समाज के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। समाज के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र को एक विशुद्ध आत्मनिर्भर विज्ञान मानता है। इस संप्रदाय के अनुसार स्वरूप के आधार पर अध्ययन करना ही एक सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण कर सकता है, क्योंकि अगर हम समाज के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो उसको हर कोई मान सकता है कि समाज में पिता पुत्र का क्या रिश्ता है, समाज में एक पड़ोस का क्या संबंध है, समाज में जो एक दूसरे समाज के साथ क्या संबंध है। अगर हम उस स्वरूप के अनुसार अध्ययन करते हैं तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत बन सकता है, जिसको हम हर कोई मान सकता है। स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। जिस प्रकार समाज में जाति, कास्ट या वर्ग या अन्य आधार पर बंटवारा हो, तो वह रूप हमेशा बना रहेगा, एक सार्वभौमिक सत्य होगा। अतः इसके आधार पर अपरिवर्तित प्राकृतिक नियमों की खोज की जा सकती है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में ऊंची जाति वाले नीची जाति के साथ भेदभाव करते हैं, समाज में तरह तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, समाज में हिंदू धर्म ये त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम ये त्यौहार मनाते हैं, अगर हम उसके स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो ये ऐसे नियम हैं जो कभी भी लगभग अपरिवर्तित रूप धारण करते हैं। समाजशास्त्र की तुलना ज्यामिति से करते हैं। जो हमारा जो समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके जनक इसको कहा जाता है जारज सिमले को, और इसी संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वान हैं बीरकांत, बानविज, मैक्स वेबर, समाल और टोनिज। इस संप्रदाय के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। जारज सिमले, जिसको इस संप्रदाय का जनक कहा जाता है, के भी ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को तीन भागों में बांटा है। पहला है सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा है दार्शनिक समाजशास्त्र, तीसरा है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। जो सामान्य समाजशास्त्र में क्या है, इसमें सिर्फ जो सामाजिक घटनाएं हैं, समस्या है, उनका अध्ययन भी करते हैं हम सिर्फ सामान्य समाजशास्त्र में। और दार्शनिक में हम समाज को एक दर्शन की तरह लेकर उसका अध्ययन करते हैं, और स्वरूपात्मक में समाज का जो स्वरूप है, ढांचा है, यह वर्गीकरण है, उसका विश्लेषण हम करते हैं। दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में जो अंत्यक्रिया होती है, क्योंकि अंत्यक्रिया दो से कम तो हो नहीं सकती, अगर दो व्यक्ति है या उससे ज़्यादा है या समुदाय है या समाज है, उसके बीच में जो अंत्यक्रिया होती है, उससे क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। समाज के दो प्रकारों का उल्लेख मिशेल ने किया है। पहला है सहमतिजन्य, जिसमें एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, और दूसरा है असहमतिजन्य, जिसमें संघर्ष, विवाद वगैरह चलता रहता है। और इसके स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित तरह से अध्ययन किया है, जैसे जारज सिमले, जिसको जनक भी कहा जाता है, इसने क्या कहा है, समाज के स्वरूप का अध्ययन किया है। बीरकांत ने क्या कहा है, मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। और वानविज ने क्या कहा है, जैसे जिस प्रकार समाज में 650 जो संबंध है उनके स्वरूपों का अध्ययन किया है, और समाल ने इसके बारे में क्या कहा है, उत्पत्ति विषयक स्वरूप का अध्ययन। और मैक्स वेबर ने क्या कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे सिलेबस का एक थिंकर भी है, कि सामाजिक क्रियाओं के स्वरूप का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने समाज के प्रारूप का अध्ययन किया और उसका क्या कहा, जो स्वरूप का निर्माण किया। दूसरा हमारा संप्रदाय है समन्वयक संप्रदाय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। जिस प्रकार स्वरूपात्मक क्या कहा, समाज एक विशिष्ट रूप धारण किए हुए है, समाज का जो भी रूप है एक विशिष्ट प्रकार का है। और इसमें क्या कहा है, समन्वयक में
समन्वयात्मक संप्रदाय में यह सामाजिक सामान्य विज्ञान है जो मानवीय जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। यह सामाजिक स्वरूप के स्थान पर अंतर्वस्तु के अध्ययन पर बल देता है। क्या कहा है, इसमें स्वरूप की बजाय जो अंतर्वस्तु है, वस्तु के अंदर जो भी गुण है, जो भी उसकी विचार हैं, जो भी उसके अंदर दोष हैं, उसका अध्ययन किस में करते हैं, समन्वयात्मक संप्रदाय में। इसमें समाज शास्त्र को अंतः संबंधित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। बोटोमर ने समन्वयात्मक संप्रदाय को विश्वकोशीय, इसको इंसाइक्लोपीडिया स्कूल कहा है बोटोमर ने। इसके अन्य थिंकर कौन कौन से हैं जो इस संप्रदाय संबंधित है समन्वयात्मक संप्रदाय से, सोरोकिन, दुर्खिन, होबहाउस, दुर्खिन हमारा सिलेबस का थिंकर भी है, होबहाउस, गिन्सबर्ग और कार्ल मैनहाइम इत्यादि ने इस संप्रदाय से संबंधित हैं। दुर्खिन ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित किया, क्योंकि दुर्खिन ने समाजशास्त्र को हम पूरे विस्तृत तरीके से कि समाज में क्या धर्म का क्या रोल है, क्या सोशल फैक्ट हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम स्पेशल थिंकर पढ़ेंगे। और इसी तरह इसने क्या कहा, समाजशास्त्र क्या है, जो समाज का एक स्वरूप शास्त्र है, समाज का जो स्वरूप हमारा स्वरूप का अध्ययन करता है और समाज के शरीर का भी अध्ययन करता है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं और सामान्य समाजशास्त्र से जो घटनाएं हैं आपस में क्या संबंध है उसका अध्ययन करता है। दुर्खिन ने इसके बारे में ऐसे कहा, सामाजिक समाज स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत जो दुर्खिन ने तीन पार्ट बताए समाजशास्त्र को, पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत क्या है, समाज का स्वरूप कैसा है, संगठन कैसा है, संरचना कैसी है, उसमें सतर कैसे हैं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। और दूसरा हमारा भाग बताया है सामाजिक शरीर शास्त्र, जिस प्रकार शरीर में भी अलग अलग कार्य करते हैं उसी प्रकार सामाजिक क्रियाओं में अलग अलग तत्व जैसे भाषा, धर्म, परिवार, नातेदारी, विवाह, कानून इत्यादि अपना रोल अदा करते हैं। तीसरा पार्ट है सामान्य समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट, और उस सोशल फैक्ट क्या होते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करें। अब ये समझो सोशल फैक्ट क्या है, समाज में जो भी तथ्य हैं जिन पे हम विचार करते हैं, जिनको हम किसी भी एक क्षेत्र के लिए यूज करते हैं, किसी को उदाहरण देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, उन तथ्यों को सामाजिक तथ्य कहते हैं, जिसकी खोज दुर्खिन ने की। और सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सामाजिक तथ्यों की खोज और उनके अध्ययन की पद्धति कैसे करते हैं। सोरोकिन के मत अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में निम्न तत्व हैं, सामाजिक घटनाएं वस्तु के मध्य संबंधों का अध्ययन, जो समाज में जो अलग अलग वस्तु हैं उनके बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन, सामाजिक और गैर सामाजिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन। पहला क्या कहा है, जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं और वस्तु हैं उसके बीच में क्या संबंध है, जिस प्रकार दंगे फसाद और इंसानों के बीच में उनके बीच में क्या संबंध है। दूसरा, सामाजिक घटनाएं और जो अन्य घटनाएं होती है जो समाज से रिलेटेड नहीं होती है उनके बीच में क्या संबंध है। तीसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने, सामाजिक घटना के सामान्य विशेषताओं का अध्ययन। सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में व्यक्ति, समाज और संस्कृति को स्वीकार किया है, इसके संरचनात्मक एवं गत्यात्मक पहलू का विश्लेषण किया है, जिसे अगस्त कांट के समान ही राजसामाजिक स्थैतिक और सामाजिक गति का नाम दिया है। इसका मतलब क्या है, इसने जो समाज में जितने भी तत्व हैं चाहे वे व्यक्तिगत हों या सांस्कृतिक हों उसको स्वीकार किया और उसकी संरचनात्मक जो पहलू हैं उसका अध्ययन किया है। जिन्सबर्ग जो एक हमारे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को चार भागों में बांटा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोट करते हैं एग्जाम में कार्ल मैनहाइम, सिम्पसन और जिन्सबर्ग, इसी प्रकार हमारे पीछे जो भी आए हैं जिसने क्या कहा, चार भागों में बांटा है। सामाजिक रचनाशास्त्र, रचना का मतलब समाज का ढांचा किस तरह का है उसका अध्ययन। सामाजिक प्रक्रिया, समाजशास्त्र समाज में जो भी अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन। सामाजिक व्याधि की, व्याधि की होता है बाधा, विघटन, नेगेटिव सेंस में लेते हम सामाजिक, जब समाज में जब अव्यवस्था फैलती है या विघटन होता है उसका अध्ययन। और सामाजिक नियंत्रण, जो समाज में जो बाधाएं होती है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इन चारों का अध्ययन किसने किया, जिन्सबर्ग ने। और इसी तरह कार्ल मानहाइम ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। पहला है सामान्य समाजशास्त्र, जिसमें हम समाज की वैसे सामान्य तौर पर घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक समाजशास्त्र, इसमें क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं दूसरे इतिहास के साथ, मतलब ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके आधार पर हम वर्तमान समाज का
तुलना करते हैं। संरचनात्मक समाजशास्त्र, इसमें क्या हम समाज की संरचना के बारे में वो करते हैं कि समाज में कौन कौन से तत्व हैं, जिस प्रकार भाषा, परिवार, नातेदारी किन किन चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन सी चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो स्थैतिक रूप हो उनका चाहे गतिक रूप हो। सिम्पसन ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्रों कितने भागों बांटा, हम देखेंगे गैर सामाजिक निर्धारक और या गैर सामाजिक तत्वों का सामाजिक संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का समाजीकरण कैसे हुआ, अभिमति प्राप्त व्यवहार, अभिमति जैसे सामाजिक मूल्य, परंपराएं, प्रथा, कानून, इसका भी हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। एक सामाजिक संरचना होती है, समाज में क्या क्या चीज़ चलती हैं, विवाह हो गया जैसे परिवार, नातेदारी, समूह है, समिति, जाति, वर्ग, समूह है, समाज में प्रक्रिया कैसी कैसी होती है, जैसे संघर्ष भी हो सकता है, मेल मिलाप भी हो सकता है, समायोजन भी हो सकता है, एक दूसरे को आत्मीकरण स्वीकार करने की वो भी हो सकती है, प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, ताकि समाज हमेशा प्रगतिशील रहे। समाज में अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, जिस प्रकार कुछ समाजवाद हैं जैसे भारत में समाजवाद को अपनाया हुआ है, साम्यवाद है जैसे चाइना में साम्यवाद को अपनाया हुआ है, और पूंजीवाद है जैसे प्रकार पश्चिमी यूरोप के देशों में पूंजीवाद को अपनाया गया है, गांधीवाद और धर्मनिरपेक्षवाद, इनका नज़रिया हमारे देश में देखा जा सकता है। इसी प्रकार विचार व्यवस्थाओं का समाजशास्त्र, विज्ञान का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, इसमें क्या है, इस कहने का मतलब क्या है सिम्पसन का, कि समाज का पूरा बायोडाटा, उसका निष्कर्षण, उसका जो संरचनाएं हैं, उसकी प्रक्रियाएं हैं, उसके जो विचार हैं समाज के अंदर, किस तरह का समाज है, लोगों की विचारधारा कैसी है, उसका अध्ययन क्या गलत है, उसने इस प्रकार इसका बंटवारा किया है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज समाजशास्त्र के विषय के बारे में, विषय वस्तु के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम समाजशास्त्र के अन्य विषय के साथ तुलना करेंगे। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है, तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।